अब कह रहे हैं कि खा सकते हैं, तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे? मेरे तो बच्चे भी छोटे हैं, 25 साल का मेरा सारा ग्रुप है। चंडीगढ़ नूं स्लम फ्री बनाउण लई चंडीगढ़ प्रशासन एक बार फिर तो शहर दीआं कलोनियां ते बुलडोजर चलाउण जा रहा है। यह बुलडोजर इंडस्ट्रियल एरिया फेस वन विच बनी कलोनी नंबर 4 उत्ते चलेगा। इस दे लई प्रशासन ने बाकायदा कलोनी दे लोकां नूं चेतावनी भी दित्ती है कि 2 महीनियां विच इस गैर कानूनी कलोनी नूं टाया जाएगा। प्रशासन ने कलोनी विच एक बोर्ड भी लगा दिता है। प्रशासन वालों किए गए बायोमेट्रिक सर्वे विच कुछ परिवार दस्तावेजा की कमी के कारण लाभार्थी नहीं बन पाए। अजिहे परिवार की गिनती सैकड़ों विच है। उन्होंने हुण प्रशासन के इस फैसले का विरोध करने का मन बना लिया है। इस तो पहला कलोनी दे जो परिवार बायोमेट्रिक सर्वे दे तहत लाभार्थी पाए गए सी, उन्होंने केंद्र सरकार दे पुनर्वास योजना दे तहत मकान दिते जा चुके ने। मलोया विच इन्हां दे लई पुनर्वास योजना दे तहत मकान बनाए गए सन। सुण कलोनी वासियां दा इस ते की कहना है। सर्वे में नाम हमारी एक वोट कटी है, वो भी उनके बंदे काट दिए हैं, और सारी वोट हैं हमारा सर्वे भी, वो अंगूठा का निशान भी हमारे को कलोनी नहीं दी। अब कह रहे हैं कि उठा के फेंक दो, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी, हमारा सर्वे हो, हमारे लोगों को सबको मकान मिले जा, बस यही हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारे को मकान दे, छत दे, हम सारे जो गरीब और अमीर हैं सब अपन रहें। प्रधान लोग कह रहे थे कि वोट दो तुम्हें मकान दिलाएंगे, हमारा तो सब कुछ है, फिर भी तो नहीं दिए, उजार क्यों रहे हमें? हम कहाँ जाएंगे? हमारा टीन टप्पल लेके कहाँ जाएंगे? मेरे तो बच्चे भी छोटे हैं, 25 साल का मेरा सारा प्रूफ है। मैं ये कहने के लिए चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहते हैं कि मैं गरीबों को मकान देता हूँ, 2022 में सबको जो रोड पे चलते हैं उसको भी मकान देंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं आज 35 साल से, सारे गरीबों को ये भगा रहे हैं कॉलोनी में, लिस्ट लगा दिए कि यहाँ से जो है तो 2 महीनों के अंदर में जो है सबको तोड़ करके यहाँ से भगाऊंगा। कॉलोनी तोड़ने का बात कर रहे हैं ना, तो कॉलोनी वाले को देना भी तो चाहिए इनको, बोर्ड लगा के ठोक दिया, कहाँ जाएंगे ये गरीब लोग? हम लोग के दोबारा सर्वे करिए, मोदी जी बोले हैं कि सबको मकान मिलेगा 2022 में। हाँ, वो तो यहाँ तक बोले किराए वालों की भी मकान मिलेगा बोले हैं, और हम लोग के जिसका ग्रुप है उनको भी दिलाइए, जिसका नहीं है कहाँ जाएंगे हम लोग बाल बच्चे लेके? तो उन बच्चों के लिए हम मांग कर रहे हैं कि बच्चों के कम से कम भविष्य मत खराब करो। जो यहाँ से लोग जाएंगे सर, वो 3,200, 3,250, 5,000 रुपये रूम का किराया है। वो किराया जो कंपनियों में काम करने वाले हैं उनके 7,000 से लेकर 8,000 रुपये तनख्वाह है। अब अगर वो 4,000 रुपये किराया दे देंगे तो बच्चों को कहाँ से पढ़ा लेंगे? चाहते हैं कि हम लोग का मकान को सर्वे करे, किसी तरह दे। जो नए मकान है हम लोग का कॉलोनी में, पूरी कॉलोनी भरी हुई है, पूरी कॉलोनी में आधा कॉलोनी हम लोग के साथ का नहीं है। जो नए नए आते हैं, मकान बनते हैं, सबको मिलता गया, हम लोग पुराने बैठे का बैठे रह गए। मेरा आदमी जो बीमार था, मैं 100 लगाई थी तो उसको लेके यहाँ वोट नहीं डाल पाई थी, इसलिए मेरे कमरा नहीं दे रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, जाती हैं तो बोल रहे हैं दो अभी नहीं तभी ये मिलेगा, पेपर में आएगा, कुछ नहीं उठा रहे हैं, हम कहाँ जाऊँगी? जब हम सब शुरू से यहाँ रह रहे, बच्चे हमारे यहाँ, आगे पीछे हमारा कुछ है नहीं, अब अचानक से नोटिस लगा दिया मकान टूटेगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? अभी तो लोग पहले काम बंद करवाया फिर घर से निकाल रहे हैं, कहाँ जाएंगे? कोई हमारा काम है नहीं। मोदी जी ने कहा था कि मकान दिलवाएंगे, अब सब मिलके जनता ने ये मकान के लोभ से मोदी को जिताया, मोदी घर से बेघर कर रहे हैं। हमको मकान मिले, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे मरने के जोग हमें आ गए, हम कहाँ रहेंगे? सरकार हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ लेके जाए? जानकारी मुताबिक कॉलोनी नंबर 4 विच लगभग 2006 विच होए सर्वे दे तहत सिर्फ 2400 दे लगभग परिवार ही लापात्र हैं, जिस तों बाद प्रशासन ने रह गए लोकां लई एक ताज़ा बायोमैट्रिक सर्वे करवाउण दा फैसला लिया सी। स्टेट ऑफिस कॉलोनी नंबर 5, मजदूर कॉलोनी, कुलदीप कॉलोनी, पंडित कॉलोनी, नेहरू कॉलोनी, अंबेडकर कॉलोनी, कजेड़ी कॉलोनी अते मद्रासी कॉलोनी नूं खाली करवा लगभग 200 एकड़ जमीन छुड़वा चुकिया है। इस तो पहला चंडीगढ़ दी सब तो वड्डे स्लम कॉलोनी नंबर 5 नूं साल 2013 विच टाया गया सी। उस दौरान कॉलोनी दे लोकां दे भारी विरोध दे चलदियां पुलिस बल तैनात करना पिया सी। उत्थे लगभग 7,000 कच्चे मकान सी। उत्थे कॉलोनी नंबर 4 विच मकानां दी गिनती 5,000 दे लगभग है। जगबानी टीवी चंडीगढ़ दे लई भगवत सिंह दी रिपोर्ट।